एक बात आखिरी शबे बारात से मुतालिक ये है कि 15 शाबान कब्रिस्तान जाने का मामला के लोग शबे बारात में कब्रिस्तान के अंदर जाने का भी बड़ा एहतमाम करते हैं बाज़ औक़ात। सूरत हाल यह है कि एक रिवायत में है कि रसूल करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में बकी तशरीफ ले गए। वो रिवायत भी अगरचे सनदन कमज़ोर है लेकिन बहरहाल एक रिवायत में है। अगर उसको मान लें तो भी मेरे वालिद माजिद कर सल्लल्लाहु तआला से रूह फरमाते हैं कि नबी करीम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात जिस दर्जे में साबित है उस दर्जे ही पे उसको रखना ज़रूरी है। सारी जिंदगी में एक वाक़या कि शबे बारात में आप कब्रिस्तान तशरीफ ले, सारी जिंदगी में एक मरतबा ये वाक़या बयान हुआ। तो मेरे वालिद माजिद पहले फरमाया करते थे लिहाजा इसको कुछ सुन्नत मुस्तमर्रा नहीं करार देना चाहिए बल्कि कभी चले गए कभी नहीं भी गए। कभी अगर इस ख्याल से चले गए कि चूंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक मरतबा तशरीफ ले गए थे तो लाओ भाई हम भी चले जाएं तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको ऐसा आज लाजमी बना लेना कि शबे बारात जब आएगी तो ज़रूर कब्रिस्तान जाएंगे ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं, ये दुरुस्त नहीं। तो इसलिए अगर कोई चला जाए तो उसके ऊपर नकीर भी नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर ना जाए तो भी कोई नकीर नहीं। एहतमाम करके जो काफिले बनाकर और उसके अंदर चरागा करके जाना जो है ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब तरीक़ा नहीं। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।